दोस्तों, रोजी और सैमुअल के डेथ को आज बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, करीब 15-20 दिन, लेकिन आज तक हमें जस्टिस नहीं मिला है। हम इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि जस्टिस उनको मिलना चाहिए। अभी फ़िलहाल के टाइम पर ये हुआ है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो गारो एसोसिएशन है उन लोगों ने देखने के बाद, स्टूडेंट्स यूनियन है उनका एक स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उन लोगों ने उसको देखने के बाद उसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, और दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर उन्होंने सवाल उठाए। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि वो जो है अब इस पर क्या करने वाले हैं, एफआईआर लॉन्च करने वाले हैं ताकि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं यूट्यूबर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है, स्पेशली असम के यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, वो चुपचाप से बैठे हुए हैं। इस मामले में उन्होंने आज तक एक भी बात नहीं उठाया है दोस्तों। तो हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यार, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बजा दे, ताकि इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों देखिए, जो असम है वो 7 सिस्टर और 1 ब्रदर, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो असम है वो सबसे बड़ी बहन है 7 सिस्टर्स में से, और असम का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जस्टिस के मामले में। हमने देखा है कि जो असम के डीजीपी है उन्होंने भी हरियाणा के डीजीपी को कॉल करके ये कहा था कि इसके प्रॉपरली इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन मेरे दिमाग पे एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि देखो, मैं असम के बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूँ, जिसमें से डिम्पू है, विकास है, लेकिन आई लव ट्रैवल एंड फूड और डिम्पू बोरुआ, इन लोगों को मैं फॉलो करता हूं। लेकिन मैंने देखा है कि इस मामले में, रोजी और सैमुअल के मामले में, इन्होंने एक भी आवाज नहीं उठाया, इनके ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया, और अपने वीडियो में अभी तक एक शब्द भी इस मामले में नहीं कहा। देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से गलत है। डिम्पू और विकास इसमें क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ी बहन होने के नाते असम का भी फर्ज बनता है कि वो इस पर अपनी आवाज़ उठाए। जो नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स हैं उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी आवाज़ उठाए। बहुत सारे स्टेट से आवाज़ उठ रही है, लेकिन जो असम है, असम से बहुत कम आवाज़ उठी है। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जैसा कि मैंने आपके साथ में नाम लिया, क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनका कोई दायित्व नहीं है नॉर्थ ईस्ट के लिए, या फिर इनके जो सब्सक्राइबर्स है वो सिर्फ असम से बिलोंग करते हैं, और असम का कोई प्रॉब्लम होगा तभी वो प्रॉब्लम को राइज करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए भाई, उनको देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स में हैं, और उनके पास फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। देखिए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के डिम्पू बोरुआ बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ 500K सब्सक्राइबर्स लेकर के विकास छेत्री है, और इसी तरह से बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बी बॉयज है, इनके पास भी 500K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो इनका रीच ज्यादा है। तो ये अगर अपना बात अगर रख पाते तो बहुत ज्यादा लोगों तक इनकी आवाज पहुंच पाती, और जो सैमुअल और रोजी है उनको जो जस्टिस है उसके मामले में हम कुछ स्टेप और आगे बढ़ जाते। लेकिन इन्होंने आवाज नहीं उठाया तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और अगर डिम्पू बोरुआ और विकास छेत्री मेरे इस वीडियो को कहीं से देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस पर आवाज उठाएं। देखिए, आपका आवाज उठना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिनके साथ ये हुआ है वो आपके ही नॉर्थ ईस्ट में से, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले भाई बहनों में से एक हैं, और आप ही के हो सकते हैं कि वो सब्सक्राइबर्स हो। आपको पता नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपके सब्सक्राइबर्स हो। और देखिए, एज इन्फ्लुएंसर ये आपका कर्तव्य बनता है कि देखिए, कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये आपका दायित्व बन जाता है। लेकिन आपने आवाज नहीं उठाया, इससे मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मुझे पता नहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कुछ तकलीफ हुआ है या नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली हुआ है। डिम्पू जी और विकास जी, देखिए, आप लोग को मैं बहुत ज्यादा अच्छे यूट्यूबर मानता हूं असम में से, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट असम में से आप मेरे लिए बहुत मतलब अच्छे यूट्यूबर्स में से एक हैं। लेकिन अगर आप इस पर आवाज नहीं उठाएंगे तो देखिए, आपके लिए जो मेरे दिल में रेस्पेक्ट है वो जरूर कम होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप आवाज जरूर उठाएं इस मैटर पर।
और देखिए हो सकता है कि मेरा वीडियो उन तक ना पहुंचे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो है वो उन तक पहुंचाने में आप मेरी मदद जरूर करें। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखिए भाई यहां पर वी वांट जस्टिस लिखने से कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें किरण सर को ट्वीट करना है, पीएमओ को ट्वीट करना है, तो किरण सर को मैंने ट्वीट किया। मैं आपको दिखा देता हूं मेरा पर्सनल ट्वीट जो है वो मैंने क्या ट्वीट किया था, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्वीट नहीं किया है। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके पास अगर ट्विटर अकाउंट है तो उनको ट्वीट कीजिए, ट्वीट नहीं कर सकते तो रिट्वीट कीजिए, और अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो भाई एक ट्विटर अकाउंट आप खोल लीजिए, बना लीजिए और उसके बाद ट्वीट कीजिए, क्योंकि ट्विटर का जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड वाइड इसकी आवाज पहुंचती है और आपकी आवाज उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लॉ मिनिस्टर है उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, वरना ये लड़ाई हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है दोस्तों, जिस तरह से हम जानते हैं कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों अपनी लड़ाई को ट्विटर में भी हमें लेकर के जाना है, तो आप ट्विटर में देखिए, आप ट्विटर में ट्वीट कीजिए, किरण रिजिजू सर को कीजिए और साथ साथ पीएमओ को कीजिए, तब जाकर के इन जो इंसाफ है ना वो शायद रोजी और सैमुअल को मिल पाए। दोस्तों यही बताने के लिए वीडियो बनाया था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।